शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जुम्मे का दिन है और गैस का मसला है और आपको पता है कोरोना का चल रहा है। और ये मैंने आलू थे 4 से 5 मैंने उबाल लिए थे। मैंने हाथ अपने बहुत अच्छे से धो लिए हैं, वॉश कर लिए हैं। और वैसे भी आम दिनों में भी आप जब किचन में काम करें तो अपने हाथों को बहुत अच्छे से वॉश करें। मेरा इरादा है आज कि आलू के पराँठे बनाऊँ, क्योंकि अब सोचता ये है आदमी कि क्या पकाए, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, बच्चे शौक से खाते हैं। तो मैंने आलू को मैश कर लिया और उसमें जो मसाले हैं वो मैं दिखाऊँ, झटपट बनने वाली चीज़ें। ये मैंने एक बड़ा सा प्याज चॉप कर लिया था या हरी मिर्चें चॉप कर ली थी, 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया, 1 चम्मच ज़ीरा है, 1 छोटी टीस्पून खटाई है पिसी हुई, 2 टीस्पून कुटी मिर्चें हैं, ये हल्दी है 1/2 टीस्पून और 1 टीस्पून चाट मसाला है। बस हमने ये सारे मसाले मिलाने हैं। आटा मैं भून के रख चुकी हूँ और झटपट आलू के पराठे बना के रख लेंगे, क्योंकि मेरे घर में 1 बजे के बाद गैस का मसला शुरू हो जाता है और गैस गायब होना शुरू हो जाती है। तो बस अब हम इसको आटे में भरेंगे और गरम गरम पराठे पकाएंगे हम। अब मैं इसको एल्युमिनियम फॉइल में करके रख दूँगी ताकि जब बच्चे उठेंगे और जो भी जिसको भूख लगेगी वो गरम गरम खा लेगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ जलीली। ये देखिए मैंने बिल्कुल नॉर्मल आटे के पेड़े लिए हैं जैसे हम लोग रोटी के लेते हैं, और मैं अलग डबल परत में नहीं पकाऊँगी पराठा आज, बाद में सिंगल परत में बनाऊँगी। तो हमने इसको थोड़ा सा बेला और ये आलू का हमने बोंडा सा बना के, मैंने 4 बना के रखे हैं, ये हमने इसको ऐसे करके और हमने इसको ऐसे करके फोल्ड कर दिया। ये हमारा पहला एक पराठा रेडी हो गया। मैं 4 उसी तरीके से बना लूँगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें इसको हमने इसके अंदर आलू भरे हुए, तो हमने इसको बेलन से अगर बेलेंगे तो ये फट जाएगा, तो हम इसे हाथ से बड़ा करेंगे क्योंकि हमने इसमें आलू ज़्यादा डाले हैं। और इसको इस तरीके से हम बड़ा करेंगे तो ये फटेगा भी नहीं और ये पराठा बहुत अच्छा बनेगा। चारों हम इसी तरीके से इसको रेडी हैं। मैंने 4 पराठे पकाए क्योंकि मेरे बच्चे उठेंगे तो खाएंगे। तो ये बहुत सिंपल और आसान सी रेसिपी है, झटपट बनने वाली चीज़ है। और मैंने अलग अलग पेड़े परते नहीं बनाई, ऐसी में बनाया और आप इनकी शक्ल देख सकते हैं कितनी अच्छी है ना। तो मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो जो मुझे जहाँ जहाँ देख रहा है उन सबको मेरा प्यार भरा सलाम। मैं उम्म-ए-हसन पे हाज़िर होंगी एक बहुत मज़ेदार और झटपट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।